हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज तो मेरी मॉर्निंग स्टार्टिंग बहुत जल्दी हो गई है। आज मैं जल्दी उठ गई थी और अभी 11 बज रहे हैं, मेरे लिए बहुत जल्दी है क्योंकि मेरा सारा काम हो गया 11 बजे। सब कुछ मतलब अभी सुशीला काम कर रही है बस लास्ट वाला, और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया, और मैंने मक्खन भी बना दिया। आज पहली बार मेरा मक्खन बना है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं इस बार। ये तो मैं पका रही हूँ अभी, इसको गला रही हूँ, मतलब मक्खन को, मक्खन को अभी मैं गला रही हूँ, कम करके गला रही हूँ तो दिख नहीं रहा है। तो फिर और बारे में दिखा दी थी ना, मक्खन बना रही है अभी बनाते हुए, तो उसमें ना नज़र लग जाती थी। मेरे हस्बैंड ठीक कहते हैं कि नज़र लगती है चीज़ों पर, तो नज़र लग जाती थी। यहाँ रखा है दूध उबालने के लिए, वो रखा है मक्खन बनाने के लिए। और मैंने ब्लेंडर लाई हूँ, मैं ये नालसा का है ब्लेंडर, ये 1400 या 1500 का आया, पता नहीं कितने का, एक्जैक्ट नहीं पता, 14-15 में कन्फ्यूज है। तो ये मक्खन बनाने के लिए आज पहली बार ये काम आया मेरा, पिछले 2 बार से बन नहीं पा रहा था, आज इतना अच्छा बन गया ना, आज मेरा मन खुश हो गया। आज नज़र ही नहीं लगी इसको किसी की नहीं, तो मैंने कहा इसीलिए मैं सबको दिखाती थी ना कि मक्खन बना रही हूँ देखो, तो इसीलिए शायद गड़बड़ हुई है। आज के बाद मैं दिखा के लिए बनाऊँगी मक्खन, चुपचाप बनाऊँगी। तो मेरा नाश्ता भी हो गया मेरा, और बेटा तो नाश्ता करके आया था, मेरा नाश्ता पानी सब हो चुका है। और आज आ रही है मेरी एक बहुत फ्रेंड, और वो फ्रेंड कौन है आपको उनसे मिलाऊंगी, और वो आ रही है। मैंने उनको बोला है कि मैं चुरकानी, वो मेरी चुरकानी मेरे ब्लॉग देखती है ना चुरकानी वाले, तो उनको चुरकानी बहुत अच्छी लग रही थी, कह रहे थे कि मेरा मैंने कभी खाई नहीं कि यार अच्छा लग रहा था देख के, तो मैंने कहा चलो मैं आपको खिलाऊंगी, क्योंकि दाल भात मटर पनीर तो सभी खाते हैं घर में, आजकल कोई किसी की कमी नहीं है ना। जो गांव वाले आते हैं ना उनको खिलाना चाहिए दाल, वो मटर पनीर दाल भात ना, जो हम लोग यहाँ रहते हैं हमारे तो बहुत, मैं तो गांव की चीज़ें इतनी अच्छा मानती हूँ कि क्या बताऊँ। गाँव की डिशेज जो भी होती हैं बहुत पसंद है, और मैं वही बनाती भी हूँ, आपको पता ही लग रहा होगा मेरे बनाने से, डेली डेली मैं यही चीज़ें बनाती हूँ गाँव की। और दाल दूल मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, ज़्यादा कहने से मजबूरी से खाती हूँ, मतलब पसंद नहीं है। तो फिर आज बनेगी भटकी चुरकानी, भटकी चुरकानी बनाऊंगी, आलू शिमला मिर्ची की सब्जी बनाऊंगी, और रोटी बनाऊंगी, और चावल बनाऊंगी, तो आपको भी दिखाऊंगी और मिलाऊंगी भी अपनी स्वीट सी फ्रेंड से। बहुत ही अच्छा मतलब क्या बोलती हूँ, दिल से दिल का रिश्ता है हमारा, और आगे भी भगवान ऐसी इस रिश्ते को बनाए रखे, है ना। तो बहुत सारे लोग तो जानते हैं उनको, है ना, बहुत सारे लोग जानते हैं, और बहुत सारे लोग पूछने वाले आ रहे ये कैसे आ गई, तो मैं भी फटाफट एक काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। अब मैं काट लेती हूँ फटाफट से शिमला मिर्च और आलू, फिर बनाऊंगी इसकी सब्जी लोहे की कढ़ाई में। शिमला मिर्च पीली भी हो गई, देखो इतने दिन से रखी है ना, ये पीली हो गई, ये भी पीली होने के कगार में है। फटाफट से इनको बना लेती हूँ, काट लेती हूँ, और लोहे की कढ़ाई बनाऊंगी बहुत टेस्टी वाली सब्जी। तो फ्रेंड, ये मेरी बन गई है शिमला मिर्च आलू की सब्जी, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है टपकिया, जो कि दाल और चावल के साथ में बनती है सूखी सब्जी ना, उसको इसको हमारे गांव में टपकिया बोला जाता है। और दाल चावल के साथ में जो सूखी सब्जी बनती है, यह भी चढ़ी हुई है, और यहाँ पर मैंने चावल भिगा दिए हैं। और इस बार मेरा घी इतना अच्छा बना कि क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया घी बना है, और बिल्कुल भी इसमें वेस्टेज नहीं है, जो होता है ना बहुत सारा वेस्टेज, वो बिल्कुल नहीं है इस बार। तो अच्छा घी बनने से यही एक बेनिफिट मिलता है कि इसमें वेस्टेज कम निकलता है। तो फटाफट से मैं बाकी के काम कर लेती हूँ, भट निकाल लेती हूँ, लहसुन छील लेती हूँ, अदरक छील लेती हूँ, मसाला बना लेती हूँ, और फटाफट चुरकानी भी चना चढ़ा देंगे और चावल। तो आजकल मेरा खाना आपको मेरा मतलब ब्लॉग नहीं आ रहे खाने पीने की, तो इसका भी कुछ कारण है कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ आजकल खाना दिन में क्या मतलब आजकल मैं खाना नहीं बना रही हूँ, क्यों नहीं बना रही, आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल, तो मैं आपको जवाब दे दूँगी। तो आज मैं बहुत दिन के बाद ही खाना बना रही हूँ, आज समझ लो हफ्ता हो गया। तो गाइज, आज मैंने बहुत थोड़ी डिफरेंट टाइप से मैंने चुरकानी बनाई है, बना रही हूँ, और ये मैंने भट भून के निकाल दिए, और अभी अभी सुनीता का आगमन हो चुका है, और आज मैं सुनीता को खिलाऊंगी अपने, हाँ घी भी बना दिया, दिखा दिया मैंने, हाँ अभी डालती हूँ, और ये मैंने निकाल दिया भून के, और इसमें डाल दूंगी जीरा, पहले मैंने थोड़ी डाल दिया था देखने के लिए, अभी थोड़ी और डाल दिया मैंने जीरा, अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैं लाती हूँ फुल क्रीम, और ये थोड़ी सी। तो फ्रेंड, मैंने रख लिया इसमें तेल, जो कि सरसों का तेल है, और यहाँ पर निकाल दिए काले भट, चुरकानी काने की होगी तैयारी। और इसमें मसाला पीस दिया मैंने, आपको दिखाया नहीं, मिर्ची लहसुन और टमाटर पीस दिए हैं, और यहाँ पर बैठी है मीना दीदी, मीना दीदी बैठने आई है मेरे साथ, मैंने मीना दीदी को अपने साथ किचन में बैठा दिया मैंने कहा किचन में बैठो आप मेरे साथ, तो मैं बना रही हूँ, और दीदी देख रही है मुझसे, सीख रही है दीदी। हाँ, आपको आती है? Of course. बना तो दे रही है, मतलब
वैसे करी मतलब बहुत अच्छा मानते हो? अच्छा मानते हैं हम। तो मीना दीदी चली गई हैं घर खाना बनाने और खाने के लिए, क्योंकि घर में भाई साहब भी होते हैं। अब आ गई है सुनीता, तो सुनीता को मैं सिखा रही हूँ चुरकानी बनाना। लहसुन सब इसमें, अदरक लहसुन जो जो हाँ जो जो डाला सब डाल दिया इसमें, पीस दिया, पेस्ट बना दिया और ये मैंने भून दिया है ना ये। तो फ्रेंड मैंने ये भी निकाल दिया, आटा भून के निकाल दिया, ये भून के निकाल दिया। फिर दोबारा से मैंने इसमें थोड़ी सी तेल डाला नामात्र, फिर से मैंने जीरा डाला है नामात्र डाला है बस। और ये है मसाला मेरा पीसा हुआ, इसमें सूखा मसाला ऐड नहीं किया अभी, फिर बाद में करूँगी। और ये भून चुका है तो इसमें मैं ये डाल दूँगी। अब मैंने चिमनी भी नहीं चलाई, हाँ तो ये इसका खांसी हो रही ना, खांसी हो गई वही क्योंकि मैंने ये चलाया था ना चिमनी बाद में चलाई, और मैं इसमें मसाला ऊपर से सूखा ऐड कर लेती हूँ। वो तो पसंद आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बना लेती हूँ। आज वो पहली बार खाएंगी ये चूखा है ना। तो पनीर पूरी क्या बनाना ना, पनीर इसको क्या चाहिए मतलब गांव वालों को, गांव वालों से हम तो डेली खाते हैं। वही से पहले बोल दिया मैंने, पक्के पनीर खाते हैं, पनीर दाने भी जाओ पार पनीर खाते रहते हैं ना हम, वही एक गांव की डिशेस है ना। मार्केट से अभी कुछ मिलता नहीं है, वही मंगा देते हैं, वही मंगा देते हैं। इसीलिए मैंने दाल उन पनीर मार्केट वालों की दाल से तो हम अच्छी दाल बनाते हैं, इसीलिए हम दाल नहीं मंगाते, बस वही बस पनीर मंगा लेते बस। और ये बन चुका है, ये देखो मसाला हो गया मेरा मसाला। अब मैं इसके बाद ना इसमें ये भून के डाल दूंगी ऊपर से, ये फट भी डाल दूंगी इसके ऊपर से, ये देखो इन फट वो खाते भी नहीं पता, ऐसे खा लेते हैं। मेरे पति देव को भी जाए एक मैं छोटे मैं, इसलिए मैंने थोड़ी दूसरी तरह से बनाई है, ये पता नहीं कैसे हो। हमारे यहाँ सोयाबीन आते हैं वही खाते हैं, ये काले भट्ट वही खाते हैं। अच्छे आप तो मिलने लगे देखो भट्ट यहाँ है ना। हाँ मैं इसलिए लाई केसरी में भट्ट सब डाले में, हाँ नहीं लाई में, हाँ सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ, जिसको चाहिए तो लेने आ जाओ है ना। बहुत महंगा है ना सुनिए क्या भाव है पता नहीं, मैंने पूछा नहीं भट्ट पर। ककड़ी भी सही है, ककड़ी जो गांव की काकड़ी किलो नहीं 50 रुपए किलो। अच्छा हम परसों लाए इतनी ताजी 50 रुपए बोला हमको मूली, हाँ मूली तो थी, मूली ऐसी थी काकड़ी नहीं, अरे काकड़ी तो 50 यहाँ भी तो हो रही थी, हाँ ककड़ी तो मैं 2 किलो लाई, ककड़ी नहीं पूछा मूली, मूली तो मैंने हो गया। अब इसमें डालूंगी ये बुना हुआ आटा, मेरे को तो वो मसाला। तो गाइस ये देखिए ये देखो मसाला से बन गया, आज तो पानी आ रहा है, आज तो बहुत अच्छा बना लिया, लग रहा है अच्छा ही होगा फिर बुरा ही होगा। अब पानी ऐड कर दूंगी इसमें और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, पहले मैं इसमें और हम तो हिंदी में बोल रहे हैं, उनको तो समझ भी नहीं आती होगी। जहाँ भी ये वीडियो जा रही प्लीज प्लीज बता देना कहाँ से हो, हमें क्योंकि मैं भी उनको कमेंट कहाँ से मेरी चुरकानी देख रही, यही है वो सुनीता रावत। तो हमारे मेहमान आ चुके हैं पवित्री जी और घर पहुंच गए हैं और मैं चुरकानी बना के आ गई हूँ। ये मेरी फरमाइश थी आशा जी से कि हाँ मैंने बता दिया था। हेलो जी नमस्ते, और ये देखो। तो फाइनली हम अपने घर पर पहुंच चुके हैं गाइज, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हमारी हमें बहुत पुरानी हमारी दोस्ती थी ना रोपो सो से ना, स्नैक रोपो से नहीं ज़्यादा हो गए, 5 साल पोसों से हाँ तो आए हैं। और यहाँ पर चल रहा है पानी, पानी पिलाया जा रहा है मेहमानों को, और मैंने सुनीता को बुलाया है मिलने के लिए। तो अब हम यहाँ पर गपशप मारेंगे और चुरकानी और भात का मज़ा लेंगे जो कि मेरा बन चुका है। और देखो हमारी सहेली हमारे लिए क्या लाई है, यार इसकी लाने की ज़रूरत। तो फ्रेंड हमारा हो रहा है चुरकानी भात का लंच, और आज हमारे स्पेशल गेस्ट आज चुरकानी भात खा रहे हैं, पहली बार खा रहे हैं आज ही, है ना कैसा लगा? बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, मैंने पहली बार खाया है, मैंने मसफड़ तो खा रखा था लेकिन ये चुरकानी भात नहीं खा रखा था, और हम बिल्कुल हाथ से खा रहे हैं जैसे बिल्कुल हम तो पहाड़ी, और मैं तो अभी कढ़ाई में ला रही हूँ, ये देखो मेरा भात है ये, और यहाँ पे बैठी है सुनीता, मतलब मेरा टेस्ट भारत का है बहुत ही टेस्टी है,
जैसे बनने में दिखता है ना टेस्टी, उससे दुगना खाने में। सुनीता तो खाते रहते ना कई बार, खा चुकी सुनीता इसलिए, और आपने पहली बार खाया ये? मैंने पहली बार खाया और मैं आज पहली बार आशा जी से मिली। कैसा लगा, कैसा लगा आपको मेरे साथ मिलके? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 4-5 साल से हम लोग सोशल मीडिया पे है फ्रेंड्स, लेकिन हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। तो कल ही इन्होंने मेरे को बोला कि और मुझे आज कहीं जाना भी था, इधर ही से रास्ता है, इन्होंने बोला आओ, और मैंने कहा मुझे चटपटी भात खाना है, तो इन्होंने बनाया। तो ये चुरकानी मतलब मैं जो डालती हूँ ना बना बना के वीडियोस में, तो वो उसका नतीजा है ना ये? होटल खोलो, होटल इसका होटल खोलो। सुनीता कह रही होटल खोलो, बोल खूब चलेगा। सच में? सच में। अरे यार मेरे को तो होटल खोलने के लिए मिल गया यहाँ। अरे यार चलो फिर अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स हम भी खा लेते हैं खाना, और फटाफट से खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और इतना दूर से मिलने आई है तो गपशप मारेंगे हम, गॉसिप करेंगे, आओ बहन डैश 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 करेंगे हम। तो फ्रेंड हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है और टाइम पास कर लिया है, और अब हम आए हैं चाय पीने के लिए, आए नहीं है मतलब चाय पीने के लिए बैठे हुए, और मैंने बनाई है चाय, अपनी स्पेशल पहाड़ी चाय। आज मैं पवित्र जी को भी पिला रही हूँ स्पेशल पहाड़ी चाय, गुड़ वाली। और दीदी तो ना हमारी, ये देखो मेरा कुछ मत कहना, चाय नहीं पियेंगी ये, ठीक है इतना कह दिया बस। चाय नहीं पीती है, चाय छोड़ दी इन्होंने, ये मुँह छुपा रही है, मेरा ब्लॉग देखती है मुँह छुपा रही है अपने आप। नहीं मैं गंदी लग रही हूँ इसलिए। कितनी सुंदर लग रहा है, देखो नेचुरल कैमरा है ये, नो एडिटिंग नो फिल्टर, तो इसीलिए तो नेचुरल जो हम है काले हैं, फिर भी हम अच्छे दिख रहे हैं इसमें, हम इससे भी काले हैं, इसमें गोरे हो जाते हैं। देखो काला और गोरा कुछ नहीं होता है, इंसान का दिल होना चाहिए, है ना इंसान का। हाँ हाँ, ये हमारे महंगे वाले मेहमान है, जब ज्यादा ठंड लगती है। तो गाइस ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी चाय हो गई ठंडी, गरम गरम चाय पीती हूँ गुड़ वाली, और चाय पी लेते हैं फिर। और मीना मीना भी आई है, और सुनीता ने अपनी ढोलक क्लास जो है स्किप कर दी हमारे लिए, हमारी वजह से, और ये होती है। और दीदी ने अपना नीट का योगदान आज इसमें सही दे दिया। और पवित्र जी देखो सबसे बड़ी हमारी जो मेहमान आज की गेस्ट है, हमारी बहुत बड़ी हमारी गेस्ट है आज के दिन की, और क्या कहते हैं इतने दूर से आई हैं चल के, इनके लिए दिल से मेरा धन्यवाद है। और इनका मतलब यहाँ आना जो है ना हमारे लिए, मैं कभी नहीं भूल रही जिंदगी भर, मतलब वो कहने के शब्द नहीं होते, लेकिन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी वहाँ से यहाँ हमसे मिलने के लिए आए। सच में जो दिल में बातें होती है, इतना प्यार है, मतलब अच्छा लगा वहाँ से आए भी हमारे लिए मिलने के लिए। अब हम चाय पीते हैं, अभी उनको भी जाना है, कोई बात नहीं पच जाती है, तो चाय वाय पीने के लिए बोला तू पी ले तू पी ले तू पी ले, जो होता है हम पहाड़ियों में, मेरा ज्यादा हो गया, तो कम कर ले। पहले आप, पहले आप। तो भाई तो पहले हम पी लेते हैं चाय। तो गाइस शाम के बज गए हैं 5:15, और अब हमारे जो मेहमान हैं वो जा रहे हैं अपने घर को, क्योंकि अब घर उनका थोड़ी दूर है गाजियाबाद, टाइम लग जाएगा। और ये हमारे दो मेहमान पड़ोसी है ये, तो और छोड़ने के लिए जा रहे हैं, हम सब छोड़ने जा रहे हैं उनको, और हमारे मेहमान जाने के लिए हो गए तैयार। और मीना चली गई है थोड़ी देर पहले, अभी मीना भाग गई है, मीना का कुछ काम आ पड़ा, और हम बजे दे तू पहाड़ी गीत रे, आज मिल बे रम जम के नाच नुहा। तो गाइज पवित्र जी को मिल गया है रिक्शा 12:22 के लिए। मेहमान आते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जाते हुए बहुत बुरा लगता है। अब हम पार्क में कर रहे हैं वॉक, क्या कर रहे हैं हम वॉक कर रहे हैं ये गुँ। और ये सुनीता को तो बहुत ही परेशानी हो रही वॉक करने में, घर चलो घर चलो, जैसे जैसे छोटे बच्चे नहीं होते वो, मम्मी घर चल वैसी करती है सुनीता ये। मेरे पैर में दर्द, ये पैर में दर्द हो गया, बस हद हो गई यार। और मीना दीदी और मैं स्ट्रॉन्ग है दोनों ना, वॉक हम तो खूब, मैं और मीना दीदी 4-4 कमरे चक्कर लगाते हैं दीदी, लगाते इतने बड़े पार्क के, मैं और मीना दीदी 4-4 चक्कर लगाते हैं, इतना बड़ा पार्क है, 1.5 किलोमीटर का होगा ना, तो हम इतना लगाते हैं, हम कभी नहीं करते, हमने करा देखा दीदी। अब चलो कह रही है सुनता, अब चलना नहीं क्या, उधर जाएंगे घूम के, दीदी ने सामान लेना, दूध लेना दूध वाले के पास से, ना तो नहीं पैसे देने दुकान में देने हैं दूध वाले के। हाँ जो, हाँ तो यहाँ से अंदर को जा रहे ना हम लोग, तुमने क्या करना है वो तोड़ने। अब हम बहुत थक गए हैं और बैठ गए हैं पार्क में, जो कि हमारे घर के नीचे है,
और ये कर रहे हैं फूलों की वो। अरे यार इतना अच्छा लगा, लग रहा है वाह, सुंदर सा हमारा पार्क बना हुआ है, बहुत ही मजे कर रहे हैं हमारे पार्क में। इतना अच्छा पार्क हमारे घर के नीचे वाला है, आज हम दूर वाले नहीं गए, आज हम घर के नीचे वाले में गए। बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ आपने ब्लॉग का एंडिंग कर रही हूँ। ये देखो हमारे दर्शक गण जाते हुए बाय बाय करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद हो गया आपकी बाय बाय का। आपको इतना सुंदर दृश्य मैंने दिखाया आज पार्क का अपने घर के नीचे, सर्दियों में तो आप डेली देखोगे क्योंकि यहीं हम लोग बैठने आते हैं। तो ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।